जोहार नमस्कार, मैं महिमा सिंह और आपका स्वागत करती हूं प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। इस वक्त युवा दिवस को खास बनाने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नीतीश कुमार साहू, जो कि झारखंड के गुमला के रहने वाले हैं और नीतीश झारखंड के एक फूड ब्लॉगर है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों का पोर्ट कलेजी 2 सीख से कार है, एक का दाम है 30 रुपया। जो झारखंड के खाने से लेकर यहाँ के कल्चर तक को प्रमोट करते हैं और दूर दराज से विदेशों से भी लोग इनसे मिलने आते हैं, तो नीतीश से हम खास बातचीत करेंगे। नीतीश, पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। नीतीश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने, आपका जो जॉब स्टॉक का हमने वीडियो देखा है तो उसमें आपने बताया कि आपके घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत गरीबी से आपने अपना जीवन गुजारा है, तो उन सब के बीच कितना मुश्किल रहा ये शुरुआत करना, कैसे आपने ये सब कुछ किया? जी बिल्कुल, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था और रांची जैसे शहर में मुझे लगता है कि फूड ब्लॉगिंग उस वक्त पे शुरू नहीं हुआ था जब मैंने शुरू किया था। लॉकडाउन का वक्त था जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू किए थे और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस करूँगा, और धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वीडियोस को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट मिला और उसके बाद ये सारी चीज़ें आसान होने लगी और बहुत ही अच्छा लगता है अब जब लोग काफ़ी पसंद करते हैं, पहचानते हैं और हमें इतना सारा प्यार देते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने आपका जो एक वीडियो देखा था उसमें आपने बताया था कि मेरे पापा का दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से मतलब वो पैसे की कमी की वजह से वो अपने दाढ़ी नहीं बनवाते थे और उसके बाद ही उनका निधन भी हो गया था। जी जी। और लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे आपकी गरीबी को लेकर ये सब, तो मतलब पहले के कंपेयर में अब कैसी स्थिति है आपके आसपास के लोगों की और रिश्तेदारों की? जी हाँ, शुरुआत में जब हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हुआ करती थी, मेरे पापा पढ़ाई में मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था पर उनको कोई जॉब नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से होता क्या था कि उनको सड़क पे काम करना पड़ता था, दूसरे के पान गुमटी में वो काम करते थे, मजदूरी करते थे और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि पापा के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपना दाढ़ी जाके सेव करवा सके, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था और उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी, ये स्थिति थी। फिर उसके बाद पापा लोगों ने, मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले ही 1990 में उन लोगों ने एक होटल शुरू किया था, और होटल भी नहीं कहेंगे उसको, बाँस का घेर के किसी तरह वो शुरू हुआ था और शुरू के दिनों में उन्होंने सिर्फ 35 रुपये की बिक्री की थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी, होटल काफ़ी अच्छा चलने लगा, लोग पसंद करने लगे, तो मैंने जब होश संभाला तो मैंने देखा कि हमारे घर में होटल है, खाना बन रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैं देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ और यही स्थिति थी। अब धीरे धीरे उससे काफ़ी सुधार आया, होटल ही एक ऐसा व्यवसाय था जिससे हमारी पूरी आजीविका चलती थी, तो उससे स्थिति काफ़ी सुधर चुकी थी। लेकिन जब मैं 10th क्लास में आया तो पता चला कि पापा के किडनी में प्रॉब्लम हो गया था और दोनों किडनी ख़राब हो गए थे और उसकी वजह से 2012 में उनका निधन हो गया। तो उसके बाद आप लोगों ने कैसे अपना जीवन, उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं और उसके बाद मेरे भाई हैं और सबसे छोटा मैं हूँ, तो मेरे भाई ने सब कुछ संभाला, उन्होंने ही सारा घर का वो व्यवसाय संभालने लगे, उस होटल को वो फिर चलाने लगे, तो उसके बाद दीदी की शादी हुई, फिर स्थिति थोड़ी सी सुधरने लगी, पर मुझे था कि मेरे भाई जब इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ाई करो, आप अभी व्यवसाय में मत आओ, आपको पढ़ना चाहिए, आपको कुछ आगे जाके करना चाहिए, और मेरे मन में भी था कि मैं भी आगे चल के कुछ ऐसा कुछ करूँगा जिससे कि मेरे घर वालों को, मेरे भाई को जिन्होंने उतना कुछ सैक्रिफाइस किया है, उनको मेरे ऊपर गर्व हो। तो उसके बाद मैंने भी यही कुछ सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ लाइफ में कुछ आगे करूँगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी ऑफिस में बैठ के जॉब करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूँ, मुझे खुद को एक्सप्रेस करने अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चाहता था कि अपना करियर ऐसे फील्ड में बनाऊँ जहाँ पर मैं खुद को एक्सप्लेन कर सकूँ कुछ, मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रखूँ, तो वो था कुछ क्रिएटिव करने की। अच्छा, ये आपका सफर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने फॉलोअर्स थे स्टार्टिंग में, कितना मुश्किल हुआ फॉलोअर्स बढ़ाना, स्टार्टिंग में व्यूज भी नहीं आते थे आपके? हाँ। तो धीरे धीरे कैसे आपने ये सब कुछ किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैंने कि यूट्यूबर बनने का तो
थोड़ा सा भी ख्याल नहीं था कि YouTube शुरू करना है या YouTube से पैसे कमाने हैं। दोस्तों हम लोग दोनों निकल चुके हैं, रिंग रोड में है और ये रिंग रोड है बायोडाइवर्सिटी के तरफ और मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है और हम लोग दोनों काफी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। तो लॉकडाउन का समय था तो उस वक्त था मुझे कि चलो कुछ नया करते हैं, तो मैं वीडियोस बनाता था। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, यूट्यूब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद मैंने डालना शुरू किया तो व्यूज़ तो नहीं आ रहे थे, पर मुझे क्योंकि खान पान का वीडियो मैं बनाता था और उस पर मुझे इंटरेस्ट था, अलग अलग जगहों को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये करना शुरू किया। फिर लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लेकिन इस बीच में बहुत मुसीबतें आई। कई बार लगा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग जाते थे स्ट्रीट पे वीडियो बनाने की तो लोग हंसते भी थे कि देखो फूड ब्लॉगर आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए, फ्री में खाने के लिए आ गए हैं, ऐसे भी कमेंट हम लोगों ने सुने। तो कभी काफ़ी बुरा भी लगता था, पर हम लोग काफ़ी फोकस थे कि हम लोगों का था कि चलो किसी भी तरह 1000 तो सब्सक्राइबर करने हैं। फिर धीरे धीरे करते 6 महीने लग गए, 6 महीने में हम लोग ने जाके 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए। अच्छा, ये अभी आपके यूट्यूब पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसमें कितना वक्त लग गया? अभी मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, 2.5 साल। जी हाँ। इंस्टाग्राम पे कितने है? इंस्टाग्राम पे 15,000 अभी हो गए। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे आप झारखंड के अलग अलग जगह में रांची में जाके स्ट्रीट फूड वगैरह की ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा खाना झारखंड में लगा या सबसे अच्छा टेस्ट कहाँ का लगा? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि झारखंडी खाना जो है बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत पौष्टिक होता है। यहाँ का आप छिलका रोटी देख लीजिए, मड़ुआ रोटी, मिलेट्स जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली भी यहाँ का जो देसी खाना होता है वही सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे छिलका रोटी बहुत अच्छा लगता है, मुझे दाल पिट्ठा, उड़द दाल का जो पिट्ठा होता है वो बहुत पसंद है। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है जो बहुत सारा माड़ झोर होता है, वो सारा कुछ है। तो मुझे झारखंडी खाना हो तो मैं सबसे पहले झारखंडी खाना पसंद करता हूँ, और अपने वीडियोस में भी हम लोगों ने बहुत सारे झारखंड के खाने को दिखाए हैं। तो मतलब अगर कोई एक जगह जाना चाहे तो वो आप कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ पे सबसे अच्छा झारखंडी फूड मिलेगा रांची में? हाँ, रांची में फिलहाल मेरी पसंद, देखिए पसंद भी कभी कभी बदलती रहती है, फिलहाल मुझे कचहरी के पास एक पलाश आजीविका दीदी कैफे है जहाँ पे बहुत अच्छा झारखंडी खाना मिलता है, वो भी सस्ते में आपको। तो वहाँ पे आज भी मैं गया था, एक विदेश से, जर्मनी से एक फॉरेनर आई हुई थी जिनको लेके हम लोग वहाँ गए थे, तो उनके साथ हम लोग वीडियो शूट किए, उन्होंने भी खाया, और जितने भी विदेशी हमारे चैनल पे आए हैं हमसे मिलने के लिए आए हैं, सारे लोग बहुत पसंद करते हैं स्पेशली झारखंडी खाने को। अच्छा, बहुत सारे विदेशी लोग जैसे आपने बताया कि आपसे मिलने आते हैं, आपके थ्रू यहाँ झारखंड रांची घूमते हैं, तो वो लोग कांटेक्ट कैसे करते हैं आपसे, अगर कोई और आपकी वीडियो भी देख रहा हो तो अगर कांटेक्ट करना हो तो? मैं खुद, मेरा जो मास्टर्स हुआ है पीजी, वो मैंने किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से। तो जब मैं BHU में था तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स रहते थे, तो क्योंकि मैं उस वक्त अपना पीजी जो है वो मैं लिटरेचर से कर रहा था, इंग्लिश लिटरेचर से, तो हम लोग बनारस के घाटों पे जाते थे और वहाँ पे विदेशियों से बातचीत करते थे। तो उस वक्त के क्या होता था कि बहुत सारे फॉरेनर्स मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो उससे भी बातचीत होती थी। मेरे फेसबुक में बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो वो अब जब देखते हैं कि मैं झारखंड को इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, झारखंड के पर्यटन को इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो जब वो इंडिया आते हैं तो अब रांची को भी वो अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रांची झारखंड बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जब हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को दिखाते हैं तो वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ के वाटरफॉल ले लीजिए, यहाँ के खान पान ले लीजिए, यहाँ पे जितने भी जंगल हैं वो सब बहुत उनको आकर्षित करते हैं। तो शायद मेरे वीडियो को देख के वो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, मेल्स मुझे आते हैं जिसके थ्रू वो आते हैं रांची, तो हमारी मुलाकात हो पाती है। अच्छा, दर्शकों ने अब तक आपके यूट्यूब पे कौन से वीडियो को सबसे ज़्यादा पसंद किया और कौन से खाने को? मेरे मिलियंस में व्यूज़ गए हैं और मिलियंस में बहुत सारे वीडियोज़ गए हैं, जिसमें कि अधिकतर जो विदेशी आए हुए हैं वह विदेशी और झारखंडी खाने को ही सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, और मेरी भी कोशिश है कि बाकी फूड ब्लॉगर से मैं खुद को कैसे अलग रखूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं झारखंडी, अब मेरा चैनल मुझे लगता है सिर्फ खाने पे नहीं रह गया है, मेरा चैनल
मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं अपनी संस्कृति को दिखाऊं। आप मेरे चैनल पे झारखंडी त्यौहार को देख सकते हो, कर्मा पूजा हो गया, सरहुल पूजा हो गया, कि किस तरीके से लोक नृत्य हो रहा है, लोक गान हो रहा है, मांदर की थाप पे सबको कैसे नाच रहे हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही एक युवा होने के नाते मैंने कोशिश की है कि यहाँ की झारखंडी संस्कृति को लूँ, और खुद भी मैं धोती कुर्ता पहन के फ्लाइट से मैं दिल्ली गया था, और वहाँ पे जाके जोशटोक में हमें आमंत्रित किया गया था, तो मैंने झारखंडी पोशाक को भी कोशिश किया था कि किसी तरह मैं उसको प्रमोट करूँ। साथ ही आप देखोगे मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने नागपुरी में बात की है, नागपुरी भाषा में बात की हुई है, और गांव-गांव जाके, विलेज में जाके हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरीके से वहाँ का रहन सहन है, खान पान है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, किसान कैसे काम कर रहे हैं, झारखंड में किस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है, वो सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। तो कोशिश यही हमेशा रहती है कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए और अपने दर्शकों तक पहुँचाया जाए। अच्छा, अभी जो ब्लॉगर्स नया स्टार्टिंग करना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप YouTube पे वीडियोस डालना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियोस का चयन कीजिए, या इसी क्षेत्र में वीडियो बनाइए जिसमें आपकी रुचि है। अगर आपका खेल में रुचि है तो आप खेल से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए। मेकअप करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, या फिर घूमना चाहते हैं, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि होगी उस क्षेत्र में आप और अच्छा करेंगे, आपको ज्ञान होगा, आपको मन लगेगा, आपको व्यूज़ से उतना मतलब नहीं होगा क्योंकि आप उस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। तो ऐसे क्षेत्र का चयन कीजिए और उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे काम कीजिए। जैसे मुझे खान पान, मैंने शुरू से देखा था, बचपन से देखा था कि कैसे खान पान हो रहा है, किस तरीके से मेरी मम्मी सुबह उठ के खाना बना रही है, मेरे पापा होटल में काम कर रहे हैं, तो यही देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। और आज जब मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, किसी दूर दराज किसी होटल में जाता हूँ, किसी ढाबे में जाता हूँ, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ये लगता है कि मैं अपने घर पर ही हूँ, घर पे ही काम हो रहा है, वही मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मेरा लगाव जुड़ाव बचपन से रहा है इस चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। वैसे आपके अकॉर्डिंग अभी मतलब YouTube पे कौन सा टॉपिक ज़्यादा चल रहा है जिसपे वीडियो करने पर ज़्यादा व्यू जाएंगे? बहुत लोगों को लगता है कि फूड ऐसा एक टॉपिक है जिसपे लोग देखने से व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, पर ऐसा कोई नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हो, लगातार वीडियो डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सफलता जरूर अच्छी मिलेगी। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे तो नहीं लगता है कि कोई है, बहुत सारा क्षेत्र है, अलग अलग लोगों की रुचि है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को देखना पसंद नहीं, करते जैसे हैं। इस वक्त के हिसाब से अभी कौन सा मतलब अभी के टाइम पे कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा चल रहा है YouTube पे जो ब्लॉगर्स हैं उनको इस पर? मुझे लगता है ट्रैवल वीडियो शायद लोग देखना पसंद करते हैं, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना, और लोग अलग अलग चीज़ों को, नए नए जगहों को देखना, शायद मुझे लगता है कि ये शायद अभी ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, आप ये लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी युवा हैं कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम तुरंत हमारे परेशान हम हो जाते हैं कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारा व्यूज नहीं आ रहा है, तो युवा दिवस पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस टॉपिक पर? बिल्कुल, मुझे लगता है हम युवा पे इतनी एनर्जी है, इतना एक ताकत कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर सच्चे दिल से करें तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर जो लोग भी किसी भी काम को करना चाह रहे हैं सच्चे दिल से करेंगे, मन लगा के करेंगे, एक दृढ़ निश्चय लेकर करेंगे, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी हताश निराश नहीं होना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बार इतना आगे आने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने मेहनत की है और उसके बाद सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आप शुरू करते हैं तो आप अपना मन से शुरू कीजिए, आपको ज़रूर आगे चल के मिलेगी सफलता। YouTube एक अच्छा करियर है, आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, अच्छी आमदनी होती है, अच्छे पैसे भी आते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यही रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।